हम लोग का अगला टॉपिक है सीमेन ओजोनाइजर का प्रयोग कर प्रयोगशाला में ओजोन गैस की प्राप्ति। जैसे हम लोग जान चुके हैं कि ओजोन गैस या ओजोन परत की प्राप्ति तो होता है प्राकृतिक में, परंतु प्रयोग के द्वारा मनुष्य भी ओजोनाइजर के मदद से ओजोन की प्राप्ति करता है। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि जिस यंत्र के द्वारा ओजोन की प्राप्ति किया जाता है वह ओजोनाइजर कहलाता है। ओजोनाइजर दो प्रकार के थे, सीमेन ओजोनाइजर और ब्रॉडी का ओजोनाइजर। तो हम लोग सीमेन ओजोनाइजर का प्रयोग करके हम लोग प्रयोगशाला विधि में ओजोन की प्राप्ति करेंगे। तो ओजोन का प्रयोगशाला विधि समझने से पूर्व आप इस आकृति को देखें ताकि यह आपको पूरा परिभाषा बिना मेहनत के ही आपको याद हो जाए और कभी नहीं भूल पाए। तो सर्वप्रथम एक ओजोनाइजर लेते हैं, यह सीमेन का ओजोनाइजर है, क्या है से समझेंगे। यह कांच का एक बंद आकृति है, मतलब कांच का दो नली है, एक नली एक दो नली जो एक स्थान पर दोनों जुटा हुआ है ऐसे यू आकार का कांच का दो संकीर्ण नली, संकीर्ण यानी खोखली, कांच का दो संकीर्ण खोखली नली है जिसका एक सिरा बंद है, मतलब जिसका एक सिरा खुला है और एक सिरा बंद है, मतलब यह सिरा खोल दिया गया है, यह सिरा बंद किया गया है, इससे अभी नहीं देखना है। तो ओजोनाइजर क्या है, ओजोनाइजर क्या है तो कहें कांच की दो संकीर्ण नलियों से बना, जिसका एक सिरा क्या होता है, खुला होता है, जिसका एक सिरा खुला होता है, सीमेन ओजोनाइजर जिसका एक सिरा खुला होता है। तो अब इसी ओजोनाइजर से जब ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित किया जाता है, इसी ओजोनाइजर से जब ऑक्सीजन गैस को भेजा जाता है शुद्ध ऑक्सीजन गैस को, तो ओजोन की प्राप्ति हो जाता है। लेकिन क्या बात है कि मैंने शीशा से भेज देंगे तो ओजोन बन जाएगा, नहीं, कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि टीन की पतली परत होता है जो ये कांच के ऊपर भी लगल है, नीचे भी लगल है, ऊपर भी लगल है, नीचे भी लगल है, एकनी दोनों उस संकीर्ण नली के भी बाहरी का है टीन का परत और एकनी दोनों है भीतर का टीन का परत। तो अब टीन के परत से क्या होता है, इस टीन के परत को देखिए, इन टीन के परतों को एक साथ जोड़ दिया गया है प्रेरण कुंडली। प्रेरण कुंडली जैसे जिसके चलने से बिजली उत्पन्न हो, जैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसको प्रेरण के कारण बिजली उत्पन्न हो, और इन दोनों टीन का है, टीन कहते हैं यहाँ पे करंट आएगा, इसमें 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 करंट आएगा, तो इतना बिजली हो कि यहाँ पे काफी तेज तापमान हो, जैसा कि आप कह सकते हैं कि विसर्जन नलिका में इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति पर पड़े थे, यहाँ काफी तेज तापमान हो, तेज तापमान हो तो ये लोहा तक हो, परंतु ये सावधानी बरता जाए कि यहाँ पर गर्म हो लेकिन कोई चिंगारी उंगारी ना उत्पन्न हो, तो उसी को कहा जाता है चिंगारी रहित, मानो यहाँ पे गर्म हो जाए, लोहा की परत गर्म हो परंतु चिंगारी ना हो। तो हम लोग टीन की पतली परत को क्या परिभाषा देंगे, फिर टीन की पतली परत होती है जो ओजोनाइजर के बाहरी एवं भीतरी परतों पर लगाया जाता है। टीन की पतली परत होती है जो ओजोनाइजर के भीतरी और बाहरी परतों पर लगाया जाता है। अब हम लोग का एक बात आता है प्रेरण कुंडली। प्रेरण कुंडली क्या है, जब प्रेरण कुंडली से टीन के परतों को जोड़ दिया जाता है तो अधिक वोल्टता, अधिक तापमान प्राप्त होता है, जिससे यह काफी हीट मनो ऊष्मा प्रदान करने लगता है, यानी ताप दे देता है। अब कंडीशन हो गया कि यह एक नली है जिसको पर यहाँ पे तापमान है परंतु अंदर कांच के है तो विद्युत नहीं गया, लेकिन गर्म जरूर हुआ होगा, अधिक तापमान है। अभी तब इस स्थिति में अगर ऑक्सीजन गैस को यहाँ प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर पहुँचने के कारण यह ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाता है। अब एक बार में जब ऑक्सीजन आता है तो 6 से 10% ही ओजोन में बदलता है, बाकी कुछ भाग इधर चला आता है, देखिए, लेकिन इधर तो बंद है, यहाँ से फिर घूर करके जब इससे गुजरता है तो यहाँ ओजोन बना, फिर इधर से गुजरा, फिर यहाँ पे गर्म हो जाता है, तो इस तरह से ओजोन की प्राप्ति हो जाता है। तो आशा करते हैं हम आप लोग को समझ में आया होगा क्या रखते हैं एक सीमेन ओजोनाइजर। सीमेन ओजोनाइजर क्या है तो कांच की दो संकीर्ण नलियों से बना, जिसका एक सिरा बंद होता है वह ओजोनाइजर है। कांच की दो नली से बना हुआ है जिसका एक सिरा बंद है, ओजोनाइजर है। फिर हम लोग को क्या है, टीन की पतली परत है, या क्या है तो ओजोनाइजर के बाहरी और भीतरी परतों पर, ओजोनाइजर के बाहरी और भीतरी परतों पर टीन की परत लगा दी जाती है। तीसरा में क्या है, प्रेरण कुंडली। अब इन परतों को प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया जाता है जिससे यहाँ इन परतों का तापमान उच्च हो जाता है,
और इस स्थिति में यहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि कोई चिंगारी उत्पन्न नहीं हो रहा है, तापमान उच्च होता है परंतु चिंगारी उत्पन्न नहीं कराना है, और तब ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करने से हमें ओजोन गैस की प्राप्ति हो जाता है और 6-8% ओजोन गैस की प्राप्ति हो जाता है। तो आशा करते हैं अब आप प्रयोगशाला में कैसे प्राप्त करते हैं इसे बना लेते हैं, तो कुछ भी नहीं करना है। आप कहेंगे कि प्रयोगशाला में कैसे प्राप्ति करते हैं, तो कहेंगे शुद्ध एवं शुष्क ऑक्सीजन गैस को, शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन गैस को जब 298 केल्विन ताप पर, 298 पर मत जाइए, ये केल्विन में माने बहुत कम हो जाएगा, सिंपली डाला जाए यहाँ ठंडा ऑक्सीजन यहाँ से डाला जाएगा 298 केल्विन ताप पर, ओजोनाइजर में से देखिये, ओजोनाइजर में से शांत वैद्युत विसर्जन, मतलब शांत वैद्युत विसर्जन हो परंतु कोई चिंगारू उत्पन्न न हो की स्थिति में गुजारने से ओजोन गैस की प्राप्ति हो जाता है। तो आशा करते हैं फिर से समझेंगे प्रयोगशाला विधि क्या कहते हैं, शुद्ध एवं शुष्क और ठंडे ऑक्सीजन गैस को, शुद्ध शुष्क और ठंडे ऑक्सीजन गैस को ओजोनाइजर में से वैद्युत विसर्जन मतलब यहाँ पे विद्युत आए परंतु चिंगारी उत्पन्न न हो इस स्थिति में प्रवाहित करने से ऑक्सीजन गैस ओजोन गैस में बदल जाता है। इस क्रिया के द्वारा 6-10% ऑक्सीजन गैस ओजोन गैस में बदल जाता है। आशा करते हैं फिर से एक बार समझ लीजिए, शुद्ध एवं शुष्क ऑक्सीजन गैस को विसर्जन, शुद्ध एवं शुष्क ऑक्सीजन गैस को ओजोनाइजर में से वैद्युत विसर्जन की स्थिति में परंतु चिंगारी उत्पन्न न हो तब गुजारने पर वह ओजोन गैस में बदल जाता है। इस तरह से 6-10% शुद्ध ओजोन गैस की प्राप्ति हो जाता है। अब बनाने का विधि, तो सीमेन ओजोनाइजर का प्रयोग कर, तो अब हम लोग प्रयोगशाला में किस ओजोनाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, सीमेन ओजोनाइजर का प्रयोग कर। फिर हम लोग ब्रोडी का ओजोनाइजर का प्रयोग करेंगे, सीमेन ओजोनाइजर का प्रयोग कर कैसे ओजोन बनाएंगे, सही तो दोनों में समान रूप से चलेगा। तो सीमेन ओजोनाइजर है क्या, तो कहेंगे कि कांच की दो संकीर्ण नलियों से बना, जिसका एक सिरा बंद होता है वह ओजोनाइजर है। दूसरा टीन की पतली परत ओजोनाइजर के भीतरी एवं बाहरी सिरों पर टीन की पतली परत लगा दी जाती है। अब है प्रेरण कुंडली टीन की परतों को, टी देखिए यखनी दोनों पहले जुटल है फिर ये अलगे जुटल है, यखनी से तार लान दिया यहाँ, एकरो से तार लान दिया यहाँ, तो यखनी दोनों जुट गया, अभी हो जुट गया। तो टीन की परतों को एक प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया जाता है जिससे यहाँ विद्युत विसर्जन होता है, यानी उच्च तापमान मिलने लगता है। तो प्रेरण कुंडली टीन की पतली परतों को प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया जाता है जिससे विद्युत का विसर्जन, विद्युत निकलता है और उच्च तापमान की प्राप्ति हो जाता है। इस तरह से प्रेरण कुंडली की परिभाषा आप दे पाएंगे, और तब इस स्थिति में ऑक्सीजन गैस को इस नली से प्रवाहित करेंगे तो यह ओजोन गैस में प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा, मैं इसका परिभाषा अभी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, और नहीं तो मैं एक बार दोहरा दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, सीमेन ओजोनाइजर के सामने आप क्या लिखेंगे, तो सीमेन ओजोनाइजर के सामने आप लिखेंगे कांच की दो संकीर्ण कोष्ट में खोखली नली होता है जिसका एक सिरा खुला होता है। कांच की दो संकीर्ण खोखली नली होता है जिसका एक सिरा खुला होता है। अब टीन की पतली परत के सामने आप लिखेंगे टीन की पतली परतों को ओजोनाइजर के भीतरी एवं बाहरी परतों पर लगा दिया जाता है। टीन की पतली परतों को ओजोनाइजर के भीतर एवं बाहरी परतों पर लगा दिया जाता है। तीसरा में प्रेरण कुंडली, अब टीन की इन परतों को
टीन की इन परतों को एक प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया जाता है। टीन की इन परतों को एक प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया जाता है। यह बात आप प्रेरण कुंडली के सामने लिख देंगे। फिर उसके बाद अब इससे ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करने से ओजोन गैस की प्राप्ति हो जाता है। आशा है आप सीमेंट ओजोनाइजर का विधि को समझ पाए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो जरूर पूछ लें। अगर उसके बाद और यहाँ पे अभिक्रिया तो आप जानते ही हैं, तो आपको आशा करते हैं आपको यह परिभाषा अपने से लिखने आएगा। आप हमें जरूर बताएं कमेंट में कि आपने सीमेंट ओजोनाइजर का टीन की पतली परत का या प्रेरण कुंडली का परिभाषा बनाया या नहीं बनाया, क्योंकि मैं आपको बराबर इसी तरह से परिभाषा पढ़ाते आया हूँ। अब हम लोग को देखना है कि सीमेंट ओजोनाइजर के द्वारा ऑक्सीजन ओजोन प्राप्त करने की क्या क्या शर्त होती है। तो चार प्रमुख शर्तें होती है। पहला, ऑक्सीजन शुद्ध और ठंडा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए। जो ओजोनाइजर है यह भी शुष्क होना चाहिए, ज्यादा न गर्म हो न ज्यादा ठंडा हो। तीसरा, विद्युत विसर्जन हो परंतु चिंगारी उत्पन्न न हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। विद्युत विसर्जन हो परंतु चिंगारी उत्पन्न न हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो मैं इसको लिख देता हूँ क्या शर्त होता है से, फिर हमारा यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और ब्रॉडी के द्वारा ओजोन गैस की प्राप्ति का नियम बचा रह जाएगा। अगला टॉपिक है, सीमेंट ओजोनाइजर के द्वारा ओजोन गैस प्राप्त करते समय क्या शर्त होना चाहिए, क्या हमें सावधानियां बरतना चाहिए, उसको समझ लेते हैं। ऑक्सीजन शुष्क शुद्ध ठंडा हो। ऑक्सीजन गैस जो हम लोग प्रवाहित कर रहे थे वह शुष्क होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए एवं शुद्ध होना चाहिए। ओजोनाइजर शुष्क हो, ओजोनाइजर भी शुष्क हो, वह ज्यादा गर्म न हो ठंडा न हो। वैद्युत विसर्जन उच्च ताप पर हो, वैद्युत विसर्जन उच्च ताप पर हो, जैसे वहां पे गर्मी उच्च हो परंतु वैद्युत विसर्जन से चिंगारी उत्पन्न न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वैद्युत विसर्जन से चिंगारी उत्पन्न न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चिंगारी उत्पन्न होगा तो ऑक्सीजन बाहर शुद्ध था, उसमें आग पकड़ने की संभावना होगा। इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। आशा करते हैं आपको सीमेंट ओजोनाइजर के प्रयोग के द्वारा या सीमेंट ओजोनाइजर विधि आपको समझ में आया होगा कैसे प्रयोग करते हैं। अगर नहीं समझ में आया हमसे जरूर पूछे, और हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा और भी हौसला बढ़ता रहे, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद, मेहनत करिए और खूब पढ़िए।